फिर अनुबंधित अनुक्रिया के सिद्धांत में इन्होंने चार संपत्तियां लिए हैं जो इस प्रकार हैं। अनुबंधित अनुक्रिया के सिद्धांत के इन्होंने चार संपत्तियां लिए। सबसे पहला संपत्ति था UCS। UCS का मतलब होता है अनकंडीशनल स्टिमुलस, मतलब अनुबंधित उद्दीपक या एक स्वाभाविक उद्दीपक। दूसरा संपत्ति था UCR। UCR का पूरा नाम होता है अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं अनुबंधित अनुक्रिया, यह एक स्वाभाविक अनुक्रिया होती है। फिर तीसरा संपत्ति है CS, इसे बोलते हैं कंडीशन स्टिमुलस अनुबंधित अनुक्रिया, यह एक अस्वाभाविक अनुक्रिया होती है। और फिर चौथी कंडीशन है CR, कंडीशन रिस्पॉन्स अनुबंधित अनुक्रिया, यह भी एक अस्वाभाविक अनुक्रिया है। इस UCS का संबंध भोजन से होता है, UCR का संबंध लार से, CS घंटी है और CR लार। हम चित्र का स्वाभाविक और अस्वाभाविक उद्दीपक को एक साथ प्रस्तुत किया जाता है तो उससे स्वाभाविक प्रतिक्रिया
अनुक्रिया प्रकट होती है। इसे ही उन्होंने अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत या अनुबंधित शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत कहा। शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत के कई अन्य नाम भी हैं जो कि इस प्रकार है। अन्य नाम कुछ इस प्रकार है। सबसे पहला नाम है अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत। इन्होंने घंटी और भोजन के बीच संबंध बताकर कुत्ते की प्रतिक्रिया प्रदर्शित की है, इसे ही अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत कहते हैं। दूसरा नाम इसे टाइपैस सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा इसे शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत कहते हैं। चौथा इसे परंपरागत अनुकूलन का सिद्धांत कहते हैं, क्योंकि पावलोव एक मनोवैज्ञानिक के साथ साथ चिकित्सक भी थे और बहुत ही प्राचीन वैज्ञानिक थे। पांचवा इसे प्राचीन अनुबंध का सिद्धांत कहते हैं। छठवा इसे सीआर कंडीशनिंग रिस्पॉन्स थ्योरी भी कहा जाता है। इन्होंने सीआर मतलब भोजन और लार के बीच में संबंध बताकर कुत्ते की स्वाभाविक प्रतिक्रिया को प्रदर्शित किया है, इसलिए इसे सीआर थ्योरी कहा जाता है। सातवा प्रतिक्रिया का सिद्धांत भी कहा जाता है। आठवा इसे क्लासिकी अनुबंध का सिद्धांत भी कहते हैं। क्लासिकी का अर्थ होता है शास्त्रीय, मतलब शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत। नौवा इसे शरीर शास्त्रीय सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। दसवा इसे प्रतिस्थापना का सिद्धांत भी कहा जाता है और ग्यारहवा इसे संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत कहा जाता है। इस सिद्धांत में पावलोव जी ने भोजन और घंटी के बीच में संबंध बताकर कुत्ते की प्रतिक्रिया को प्रदर्शित किया है। इस प्रकार पावलोव का शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत कम्प्लीट होता है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही है। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक आप हमारे चैनल मोटिवेशन बाय दीक्षा पर लाइक करिए, कमेंट करिए एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स।